Heisenberg's has uncertainty principle. Heisenberg, actually my favorite scientist. So what Heisenberg's uncertainty principle explains that it is nearly impossible, or we can simply say it is impossible to measure momentum as well as position of a microscopic object. किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सच एज, मतलब अगर हाइजेनबर्ग के हिसाब से देखा जाए तो उसने ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन के लिए दी थी. सो इफ यू वांट, सपोज देखो ये क्या है हमारे पास, ये है न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. उस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई पोजिशन होगी जिसको आप एक्स से मेजर करोगे, और अगर मैं उसी एक्स को एम से मल्टीप्लाई करूंगी जो कि कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रॉन के मामले में, एम इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो इससे क्या मुझे मिलना चाहिए था, इससे मोमेंटम मिलना चाहिए था, ठीक है. मास इनटू एक्चुअली वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते dx अपॉन dt, जिससे हम लोगों को वेलोसिटी मिलती. तो मास इनटू वेलोसिटी विल गिव यू दी मोमेंटम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो अगर बात की जाए, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो what Heisenberg is saying that it is nearly impossible to measure the momentum of a particular object as well as the position at the same time. अगर कोई बहुत microscopic object है ना, तो अगर आप उसका position और momentum साथ में अगर predict करना चाहते हैं या फिर अगर आप बताना चाहते हैं, तो वो impossible है. अगर वो object microscopic है तो, पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना जब आप लोग किसी भी microscopic object के लिए tunneling microscope use करते हो ना, तो what happens there is that there is external source of light which is going on that particular object, या फिर उस particular जो भी हमारे पास electron, proton, जो भी हमारे पास species है, उसके ऊपर external light जा रही है. वो external light के अंदर थोड़ी बहुत energy तो होगी ही होगी. तो जिस moment पे आप उसका position find out कर रहे हो ना, तो वो extra light की वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो momentum है वो increase हो रहा है. Also, अगर आप उसका momentum find out करोगे, तो at that particular moment वो इतना छोटा है और वो इतना ज्यादा एरर्स देता है कि हम लोग कहते हैं कि उसका पोजीशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. अब इसके लिए स्टेटमेंट दिया हुआ, देखो डेल्टा एक्स ये आपको देगा पोजीशन, ठीक है. दिस एक्सप्लेन्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एक्सप्लेन्स द मोमेंटम. और डेल्टा देने का मतलब है कि चेंज इन द स्मॉल चेंज इन द पर्टिकुलर, या फिर इसको एरर कह सकते हो. एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए चीज तो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. तो ये एक कॉन्स्टेंट के greater than equivalent है. तो Heisenberg's uncertainty principle simply explain करता है that there is no specific pathway of anything. अगर उसका position और momentum साथ में find out नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसका pathway भी completely predict नहीं कर सकते हैं. ये actual में inference है Heisenberg's uncertainty principle का. अब important ये है कि उसके limitations क्या क्या है. सारे theory तो हर कोई तो theory देता ही रहता था उस time पे, but सबके limitations भी होते थे. तो पहला लिमिटेशन ये है दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े ट्रक वगैरह हो गए, तो आप उसको, मतलब बड़े बड़े ट्रक हो गए, इन सब चीजों के लिए. मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें कैलकुलेट करना एक्चुअल में काफी ईजी हो जाता है. अदर देन दैट, इसका एक और लिमिटेशन ये है दैट ये रेस्ट के ऑब्जेक्ट को एप्लीकेबल नहीं है. तो नॉट एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट, और ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है. तो इन एनी केस अगर आपका मोमेंटम चेंज होता है ना, मतलब इन दोनों का फैक्टर जो है वो एच अपॉन फोर पाई आएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन एनी केस अगर आप मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो आपका ये जो पोजीशन है वो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा. तो यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसी की वजह से पता है क्या, एक कंक्लूजन ये निकल के आता है दैट वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर पाथवे फॉर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का पाथवे जो है वो फिक्स है ही नहीं. इलेप्टिकल, कोई इलेप्टिकल बोलता है, कोई सर्कुलर बोलता है, लेकिन ये थ्योरी बोलती है कि अगर किसी का मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और पोजीशन साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द पाथवे ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक पाइनियर था केमिस्ट्री के फील्ड में, ये पाइनियर था, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी डुअल, मतलब डुअल थ्योरी पे बेस्ड है ना, क्योंकि ये हमारा थ्योरी, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर ये पहली थ्योरी थी जो कि इलेक्ट्रॉन के पाथवे को ही निग्लेक्ट कर रही थी, फिर पाथवे को ही मतलब उसने खारिज कर दिया था कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एवरीथिंग अबाउट मोमेंटम एंड पोजिशन के नॉट बी फाउंड आउट एट द सेम